गाइज़, आज हम बात करेंगे त्रिहान लग्जरी फ्लोर्स के बारे में, जो कि अपनी नई साइट लेके आए हैं एक सोना सेक्टर 35 में। अभी इससे पहले इन्होंने गुड़गांव में अपनी कई सारी साइटों पे डेवलपमेंट की है, जैसे अभी रिसेंटली चल रही है गुड़गांव के सेक्टर 71 में। यहाँ भी अपने ये दीनदयाल के प्लॉटों पे अपने लोराइज फ्लोर्स बना रहे हैं। सेम एज इट इज़ अपने सेक्टर 63A में भी इन्होंने अपनी दीनदयाल वाली साइट पर लोराइज फ्लोर्स बनाए हैं। ये सारे के सारे फ्लोर्स जो बना रहे हैं वो 180 गज से नीचे प्लॉट पर हैं, और इसमें आपको 3 BHK के बहुत प्रीमियम फ्लोर्स मिल जाते हैं विद बेसमेंट एंड टेरेस के साथ में। अभी इन्होंने अपनी एक नई साइट ली है सोना में, सोना सेक्टर 35, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर गुड़गांव में भी इनके फ्लोर्स में कोई इंटरेस्टेड है तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। गुड़गांव के भी फ्लोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बट आज जो मेजर फोकस रहेगा हमारा इस वाली साइट पर जो सोना में आ रही है। अभी हम बात कर लेते हैं जहाँ पे इन्होंने ये नई साइट ली है वो कहाँ पे है। आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो, ये सोना एलिवेटेड है, ये सीधा अपने लेफ्ट हैंड पे आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो, ये सीधा अपने को ले जाता है गुड़गांव में। आज अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से अगर आप इस एलिवेटेड पे चढ़ जाते हो तो गुड़गांव मात्र आप 10 से 12 मिनट में पहुँच जाओगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ इसकी कनेक्टिविटी गुड़गांव से कैसी है, और अगर कोई दिल्ली से आता है तो यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। आप लोगों ने मोस्टली राजीव चौक और सुभाष चौक तो देखा ही होगा लोगों ने। राजीव चौक से आप इस वाले सोना एलिवेटेड रोड पे आ जाइए। सोना एलिवेटेड पे जैसे ही चढ़ोगे तो ये जो रोड है प्रॉपर रेड लाइट फ्री एरिया है, ट्रैफिक कोई भी नहीं मिलता है। आप जैसे ही चढ़ोगे 10 से 12 मिनट में आप सोना कनेक्ट कर जाओगे। साइट राजीव चौक से आप सीधे आओगे, बीच में गुड़गांव और सोना का टोल पड़ेगा। टोल क्रॉस करते ही आगे DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसे क्रॉस करते ही राइट एंड पे जो सेक्टर पड़ता है वो सेक्टर 35 है सोना का, और इसी DMIC क्रॉस करते ही 2 किलोमीटर आगे चलोगे KR मंगलम यूनिवर्सिटी की जस्ट सामने ये वाली साइट पड़ती है। आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो, बिल्कुल रोड से ये लगती हुई साइट है। इसी एलिवेटेड से आप मेरे राइट एंड पे सीधे चले जाते हो तो ये सीधी रोड आपको मैन सोना ले जाती है, उसके साथ साथ पलवल नू ये इन सारी जगहों पर कनेक्ट कर देती है ये वाली रोड आपकी। तो मतलब कनेक्टिविटी वाइज ये वाली लोकेशन मुझे लगता है बहुत अच्छी है, प्रॉपर अपने सोना रोड से ही एंट्री रहेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ सोना सेक्टर 35 जो है इसमें ऑलरेडी कई सारी बसावट हैं अभी करंट में। जैसे बहुत से लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ये तो नाम सुना ही हुआ जो गंगा का तथास्तु प्रोजेक्ट आया था अफोर्डेबल का, वो इस वाली साइट के जस्ट बैक साइड में। आप मेरे ये गंगा तथास्तु वाली साइट है, बट इसके साथ साथ ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे SCBS डेवलपर का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है अरावली हिल्स के नाम से, है ना। इसके साथ साथ रिवर ग्लेड्स का प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ 35 सेक्टर में सिग्नेचर के लोराइज फ्लोर्स बने हुए हैं, RUF के प्लॉट्स हैं, उन्होंने भी कुछ फ्लोर्स बना के बेचे थे। मतलब सेक्टर 35 ऑलरेडी बसा हुआ सेक्टर है सर। तो इसी सेक्टर में त्रिहान ने भी अपने लग्जरी फ्लोर्स लॉन्च किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये NKV डेवलपर्स की साइट थी जिन्होंने अपनी दीनदयाल जन आवास योजना पे लाइसेंस लिया था। उन सारे प्लॉटों पे मतलब अभी जो डेवलपमेंट चल रही है 5.5 एकड़ की लैंड है, इसमें 82 प्लॉट्स पे त्रिहान डेवलपर्स अपने फ्लोर्स बना रहा है। रेरा इस वाली साइट का आया हुआ है। तो गाइस सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्लोर्स के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे बिल्डर बेसमेंट प्लस स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर विद टेरेस के साथ में डेवलप करने वाला है, जिसमें से कुछ इस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको बता दें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा इन तीनों को ये बेसमेंट में स्पेस दे रहे हैं इक्वली, ठीक है। उसके साथ साथ जो सेकंड और थर्ड फ्लोर अगर कोई लेता है तो उन दोनों को आधी आधी छत दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर वाले को छत नहीं मिलेगी, ओनली बेसमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये आपको स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी दे देते हैं, जैसे मॉडुलर किचन होगी अपनी, ठीक है, ACs लगा के दे दी आपको इन्होंने। उसके साथ साथ इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग आपको इसके रूम के अंदर करके दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके फ्लैट्स के अंदर मिल जाती हैं। रेट की अगर हम बात करें तो 1,67,00,000 रुपए में आपको यहाँ पे 3 BHK का साइज़ मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट साइज मिल जाता है 3 BHK का 1,67,00,000 रुपये में, जहाँ पे गुड़गांव में इस वाले रेट में कोई चीज़ नहीं आती है। उस रेट में त्रिहान डेवलपर्स आपको 3 BHK का डिसेंट साइज दे देता है विद बेसमेंट एंड टेरेस के साथ में। तो सर अगर आप चाहते हैं इस वाले प्रोजेक्ट में अपने सपनों का घर लेना
तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो और एक आप भी अरावली व्यू के साथ में अपनी छत का आनंद ले सकते हो इस वाली साइट से। ठीक है, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेना। लिमिटेड ही यूनिट्स बची हुई हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है और जो मैंने आपको अभी रेट बताया था बिल्डर का 1,67,00,000 का, उसके बाद अपने पास कुछ एक बेटर रेट आ जाता है तो आप वो सिर्फ कॉल करके आप मुझसे जान सकते हो कि आप क्या एक बेटर रेट मुझे ऑफ़र कर पाओगे। ठीक है, तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया, मुझे कॉल करके जान लेना वो। ठीक है, अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी नई नई अपडेट्स मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।